भाग्य में न हो तो प्राप्त धन भी नष्ट हो जाता है। किसी नगर में सोमलिक नाम का एक जुलाहा रहा करता था। वह बहुमूल्य वस्त्रों को रंग कर, काढ़ कर व खूबसूरत बनाकर बेचता। मामूली और मोटा कपड़ा बनाने वालों की बिक्री अधिक होती थी। उसकी बिक्री कम होने के कारण उसके पास धन का अभाव ही रहता था। एक दिन उसे अपनी पत्नी से कहा, सभी अच्छे पैसे कमाते हैं, दूसरे जुलाहों को देखो, मामूली कपड़े को बेचकर धनी हो गए। मुझे लगता है यह स्थान मेरे अनुकूल नहीं, अतः मैं कहीं और जाना चाहता हूँ। प्रिय, जो वस्तु मनुष्य के भाग्य में नहीं होती वह उसे नहीं मिलती, और जो भाग्य में होती है वह बिना किसी प्रयत्न के भी मिल जाती है। इसलिए मेरा कहना है कि कहीं मत जाओ, यहीं पर कुछ करो। उसकी पत्नी ने कहा, तुम ठीक नहीं कह रही हो, भाग्य भी कर्म के बिना फलीभूत नहीं होता। भोजन भी हाथ से उठाकर मुख में न डाला जाए तो अपने आप नहीं पहुंचता है। इसलिए भाग्य के भरोसे न बैठकर सामर्थ्य के अनुसार पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ से कार्य सिद्ध न हो तो इसमें कर्ता का कोई दोष नहीं है। इच्छा करने मात्र से पूरी नहीं होती, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसीलिए मैं विदेश अवश्य जाऊंगा, सोमलिक ने अपनी पत्नी से कहा। सोमलिक 3 वर्ष विदेश में रहकर 300 स्वर्ण मुद्राएं कमाकर अपने नगर लौट रहा था। लौटते लौटते रात हो गई तो जंगली जानवरों से स्वयं को बचाने के लिए वह एक बरगद के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और थोड़ी देर में उसी पर सो गया। सोते सोते स्वप्न में उसने 2 भयानक पुरुषों को देखा जो आपस में बात कर रहे थे। उसने उनकी बातों को ध्यान से सुना। एक पुरुष दूसरे पुरुष से बोला, हे पुरुषार्थ, तुझे मालूम नहीं कि सोमलिक के भाग्य में भोजन और वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता? फिर तुमने उसे 300 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी? हे भाग्य, मैं पुरुषार्थी को एक बार उसके पुरुषार्थ का फल अवश्य देता हूँ जो मुझे देना चाहिए। उसे उसके पास रहने देना या न रहने देना तेरे अधीन है, दूसरे पुरुष ने कहा। जुलाहे की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी 300 स्वर्ण मुद्राएं थैली में से गायब थीं। वह बहुत दुखी हुआ और अपने भाग्य को कोसने लगा। वह पुनः उसी नगर में गया। वहां 1 वर्ष तक रहकर उसने 500 स्वर्ण मुद्राएं कमाई। जब वह वापस आ रहा था रात हो गई। इस बार बिना सोए चलता रहा, पर उसने चलते चलते भाग्य और पुरुषार्थ को फिर से बातें करते सुना। भाग्य ने कहा, हे पुरुषार्थ, तुमने फिर उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। हे भाग्य, मेरा काम पुरुषार्थ का फल देना है, जो मैं देता हूं तुम अपना काम करो, पुरुषार्थ बोला। उसने देखा उसकी थैली से फिर 500 स्वर्ण मुद्राएं गायब हो गई। दोनों बार कमाया हुआ धन विलुप्त हो जाने से वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, इस धनहीन जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। आज इस वृक्ष की शाखा से रस्सी बांधकर लटक जाता हूँ, आत्महत्या ही उचित है। जब वह ऐसा कर रहा था तो आकाशवाणी हुई, अरे सोमलिक, ऐसा मत करो, मैंने ही तुम्हारा धन चुराया है। तुम्हारे भाग्य में भोजन और वस्त्र से अधिक धन प्राप्ति का योग है ही नहीं, इसलिए व्यर्थ में अधिक धन अर्जित करने की कोशिश मत कर, घर जाकर सुख से रहो। तुम्हारे साहस से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम चाहो तो मैं एक तुम्हें वरदान दे सकता हूँ, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। सोमलिक ने कहा कि मुझे वरदान में बहुत सा धन दे दो। अदृश्य देवता ने कहा, तेरे भाग्य में धन का उपभोग नहीं है, भोग रहित धन लेकर तू क्या करेगा? तब सोमलिक ने कहा, मैं तो धन का भूखा हूँ, भोग हो या ना हो मुझे धन चाहिए। धन की महिमा अपार है, संसार में वह पूज्य है। जिसके पास धन होता है उसकी लोग सेवा करते ही हैं। गीदड़ गीदड़ी भी मांस की आशा में बैल के पीछे पीछे 15 दिन तक भटकते रहे थे। भाग्य ने पूछा, वो कैसे? तब सोमलिक ने कहा, सुनो, मैं एक कथा सुनाता हूँ।